दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश में दलित वर्ग, बहुजनों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस हेतु मंच पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में मंच पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कमजोर वर्गों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो न केवल निंदनीय है अपितु राजस्थान की छवि को देश और दुनिया में धूमिल करने वाले भी है। जिस प्रकार दलितों पर हमलों की बाढ़ आई है, जिसने आपकी संवेदनशील सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ज्ञापन ने बताया गया कि विगत भाजपा सरकार के शासन में राजस्थान में दलित तबके पर हुए हमलों से परेशान होकर प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा करते हुए आपको सत्ता तक पहुंचा दिया, लेकिन कांग्रेस राज में भी राज्य की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ता नजर आ रहा है। ज्ञापन में प्रदेश भर में घटित दलित अत्याचारों की घटनाओं का जिक्र करते हुए शीघ्र ही इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कठोर उपाय करने की मांग की गई है। साथ ही पूर्व में घटित घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने तथा पीड़ितों को उचित न्याय दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में करोड़ों लोगों के जीवन को गरिमामय बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति में आक्रामक आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में मंच के साथी हेमचंद आर्य, कामरेड जगदीश प्रसाद, दयाराम भगत, विनोद पेंटर तथा सीताराम भराड़िया आदि शामिल थे। दलित शोषण मुक्ति मंच राजस्थान के राज्यव्यापी संयुक्त आह्वान के ऊपर, जो दलितों पर पूरे राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर उत्पीड़न हो रहा, दलितों के साथ उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने ये मांग करी है कि जहाँ भी राज्य में दलित समुदाय के साथ में उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक आयोग गठित करके और निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं करी तो फिर व्यापक जन समुदाय के साथ, दलित समुदाय के साथ मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार स्वयं उत्तरदायी होगी। सागवान लकड़ी से बने अत्याधुनिक फर्नीचर का भव्य शोरूम पहली बार ब्यावर में। जी हां, स्वास्तिक फर्नीचर सेद्रिया चौराहा ब्यावर में, जहां पाएंगे सागवान लकड़ी से बने सागवान वाटरप्रूफ 18 mm प्लाई से निर्मित डबल बेड की आकर्षक वैरायटियां, सोफा सेट, सिंगल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, दीवार एवं लोहे की अलमारी की विशाल रेंज के साथ उत्कृष्ट कारीगरों द्वारा निर्मित उत्तम क्वालिटी के फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एलईडी उचित दाम में उपलब्ध है। तो आज ही शोरूम पर चले आए और अपने पसंदीदा फर्नीचर की खरीदारी करें। स्वास्तिक फर्नीचर लक्ष्मी विलास सेद्रिया चौराहा ब्यावर, मोबाइल नंबर 7014945735 6350464125।